दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, शास्त्रीय अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश बर्थरी यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों कल के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम अपने वोवल को स्ट्रोक्स में अटैच करते हैं। टू स्ट्रोक्स हो तो कैसे अटैच करते हैं, थ्री हो तो कैसे अटैच करते हैं, एंड फोर हो तो कैसे अटैच करते हैं ना। कुछ मैंने चार पाँच एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताया था, फिर होमवर्क के लिए मैंने आप लोगों को कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए थे। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने उस एग्जांपल को सॉल्व किया होगा, उसमें कैसे वॉवल को अटैच किया जाता है उसको आप लोगों ने अटैच किया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे, देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर का जो स्ट्रोक बनता है वो दो टाइप का बनता है। जो साइन होता है आर के लिए कैसे होता है, आर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। आर इसको बोलते हैं हम लोग आर, और इसको बोलते हैं हम लोग रे। ठीक है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले से भी बताया था और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को रिवीजन करवा भी दिया था कि कैसे किस समय हमको क्या यूज़ करना है, आर कब यूज़ करते हैं, रे कब यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था, आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी के साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने उस एग्जांपल को सॉल्व किया है ना। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी आप लोगों का होमवर्क रहता है उसको आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया कीजिए। जो लिंक नीचे आप लोगों को मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा करके सेंड किया कीजिए। हम चेक करेंगे वहाँ पर आपकी क्या गलती है, कैसे गलती है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, है ना। जब तक आप चेक नहीं करवाएंगे ना तो आप लोगों को दिक्कत आनी है। हमको समझ में कैसे आएगा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो और लगता है कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं खुल रहा है करके, तो अगर लिंक नहीं खुलता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है ना, मैंने लेक्चर के बीच में अपना व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोगों को बता दिया है। व्हाट्सअप नंबर को जाइए, या फिर वही मेरा टेलीग्राम नंबर है, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जाइए वहाँ पर आप जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है उसको सेंड कीजिए। जैसे टेलीग्राम का आपका लिंक नहीं खुल रहा तो बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे टेलीग्राम का लिंक डायरेक्टली सेंड कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के क्लास में कि कैसे हम आर को किस कंडीशन में यूज करते हैं और रे को किस कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। आज के थंबनेल में दोस्तों आप लोगों ने बहुत सही पढ़ा है, बहुत सही देखा भी है, वो ये कि अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर है ना। चैप्टर है आप लोगों का किसमें, पिटमैन शॉर्टन की पॉकेट बुक में जो है वो चैप्टर दिया हुआ है अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर, ठीक है। एच के बारे में भी डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, आर एंड एच मिक्स दिया हुआ है, मैंने उसमें कुछ अलग एडिट किया है, उसको देखिएगा कैसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट में, शायद ही आपको कहीं भी ऐसा देखने को मिले। एक बार में सीधे माइंड क्लिक करेगा दोस्तों, बस देखते जाइएगा। चैप्टर का क्या नाम है, अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर, ठीक है, यही लिखा हुआ है चैप्टर का नाम भी आप लोगों को, यही है अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर, ठीक है। अब है क्या कि इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आर है एक रे है। इसको एक सिंपल एग्जांपल में ये समझिए फ्रेंड्स कि सपोज आज के डेट में हम सभी के घर में क्या है, किसी के पास घर में एक्टिवा है। सपोज मैं अपनी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरे घर में मेरे फादर के पास, मेरे पापा जी के पास क्या है, प्लेजर है, गाड़ी चलाने वाली प्लेजर है, ठीक है। मेरे भाई के पास, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे भाई के पास जुपिटर है, कौन सी गाड़ी है, जुपिटर है, ठीक है। अब इनको एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ी दोनों है, ये दोनों टू व्हीलर गाड़ी है। अब सपोज किसी दिन मेरे फादर को अपने काम से जाना है मार्केट, और अचानक वो देखते हैं कि प्लेजर उनकी जो गाड़ी है
जो उनकी जो टू व्हीलर गाड़ी स्कूटी है वो क्या हो गई है, पंचर हो गई है। क्या हो गई है? पंचर हो गई है। तो उनके पास कौन सा ऑप्शन बचा कि मेरे ब्रदर के पास जो गाड़ी है जुपिटर गाड़ी, उस समय वो वहाँ पे खड़ी है, वो भी काम से नहीं गया, वो अपने काम से जाता है, उस दिन अपने काम से नहीं गया, मार्केट वर्केट नहीं गया, स्कूल नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। अब देखिए कि घर में गाड़ी खड़ी है तो क्या यूज़ करेंगे, प्लेजर के बजाय क्या यूज़ करेंगे? अब प्लेजर तो पंचर हो गई, या तो उसको बनाने के लिए छोड़ देंगे और तुरंत अपने काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, वो जुपिटर को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया, ये इनके पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी थी घर में, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था, तो उन्होंने क्या किया, जुपिटर को उठा लिया मार्केट जाने के लिए। तो इस तरह से क्या हो गया, उनका काम बन गया। मतलब जुपिटर खराब है तो प्लेजर से काम चला लो, प्लेजर खराब है तो जुपिटर से काम चला लो। इसके जगह आप साइकिल का भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने बताया, मेरे घर में जो गाड़ी है उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप उस तरीके से उसको रिलेट कर पाए। तो कहने का मतलब मेरा यह है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों के पास एक आर है और सेकंड वाला रे है, कौन सी कंडीशन में आर यूज करना है, कौन सी कंडीशन में रे यूज करना है, उसी का आप लोग आज फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लेजर एंड जुपिटर का। और बताइएगा जरूर कि कमेंट सेक्शन में जा करके, सर एग्जांपल आपका बहुत मज़ेदार था आज का, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ मैं, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। देखिए आर का साइन बनता है कुछ इस तरीके से, रे का साइन बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस आर में देखिए रूट में क्या है, रूट में कौन सा स्ट्रोक है, ये आर है, इसमें भी आर है, लेकिन यहाँ पे वॉवेल बिफोर आ रहा है। ये क्या है, वॉवेल पहले आ जा रहा है, यहाँ पे वॉवेल बाद में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आर बोलते हैं, इसलिए इसको रे बोलते हैं, ठीक है। ये आ प्लस र, तो ये आर हो गया। इसमें रे कैसे पढ़ेंगे, रे प्लस र प्लस ए, तो ये रे, यहाँ पे वॉवेल बाद में आ रहा है तो यहाँ पे वॉवेल पहले आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। अब यहाँ पे ना छोटा 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 कहीं पे रूल दिया हुआ है, उस रूल को हम लोग समझते हैं कि सर कब यहाँ पे आर यूज करेंगे, रे कब यूज करेंगे, ठीक है, देखते जाइए। रूल ये है फ्रेंड्स, अब देखिए ग्राफ नंबर वन में, इस ग्राफ नंबर वन में समझिए, ग्राफ नंबर वन ये हो गया, उम्मीद करता हूँ स्ट्रोक्स याद हो गया होंगे आपको, ये हो गया, ठीक है, ये ग्राफ नंबर थ्री हो गया, डन, ओके। अब देखिए पी हो गया, ये इसको यहाँ से बॉर्डर कर देते हैं, ये पी हो गया, पी, ये पी बन गया, ये बी बन गया, ये टी बन गया, डी, छे, जे, ठीक है। और उसका एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से देखिए वन बाय वन, एक एक स्ट्रोक के एग्जांपल एक एक बताते जाता हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी, सपोज एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे पी लिया फ्रेंड्स, पी के पहले आर आता है, एग्जांपल के लिए स्ट्रोक ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रोप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रोप ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम रोप। देखिए यहाँ पे पी है, अभी मैंने पी की बात कर रहा हूँ, तो पी के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, आर में वॉवेल जो आ रहा है वो ओ आ रहा है और आर के आफ्टर आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले एग्जांपल में कि आर के बाद अगर वॉवेल आता है तो क्या बनेगा, हमको अपवर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे पी के साथ में रे कौन सा यूज़ करेंगे, अपवर्ड यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे यूज़, देखिए इस एग्जांपल को लिखिए, यहाँ पे रोप, ठीक है, तो यहाँ पे आर के बाद वॉवेल आ रहा है ना, तो यहाँ पे रो बना देंगे और ये पी बना देंगे, वॉवेल लगा देंगे ओ का, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे देखिए लाइन खींचना बहुत जरूरी है, मैं लाइन खींचना भूल गया था, यहाँ पे रोप हो गया। अब पी के बाद अगर आ रहा था तो कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पेयर ले सकते हैं, ये पेयर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर जो है पी के बाद आ रहा है, आर जो है पी के बाद आ रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको फाइनल आर बोलते हैं, आर के बाद यहाँ पे फाइनल आर आ रहा है, ठीक है, इसको फाइनल आर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आर, ये डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, तो ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इसमें एक अल्टरनेटिव एग्जांपल ये है कि इसमें अगर हम पेरी बोलेंगे, पेरी बोलेंगे, फाइनल आर में अगर कोई वॉवेल कंटेंट होगा, वॉवेल कैरी करेगा, है ना, अगर आर फाइनल आर वॉवेल कैरी करेगा तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे, क्या यूज़ करेंगे, रे अपवर्ड यूज़ करेंगे,
ठीक है, फाइनल आर में अगर वॉवल नहीं है तो डाउनवर्ड आर यूज करेंगे, अगर वॉवल है तो अपवर्ड आर, सॉरी अपवर्ड रे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बी का एग्जांपल क्या ले सकते हैं यहाँ पे, रॉब ले सकते हैं। ठीक है, रॉब में कैसे यूज करेंगे, रे और ये बी। ठीक, जैसे रोब किए थे वैसे रॉब हो गया, ये रॉब हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल से क्या ले सकते हैं, बोर ले सकते हैं, जैसे कि पेयर लिए थे ना यहाँ पे, बोर ले सकते हैं। देखिए बोर, ये हो गया बोर, कैसे बनेगा, बी और ये आर, ये बोर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, बेरी ले सकते हैं, बेरी, जैसे यहाँ पे पेरी लिए थे तो बेरी ले लीजिए, ये बी बना दीजिए और रे बना दीजिए, ये बेरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टी में देखिए क्या क्या कौन से स्ट्रोक है, ये टी, टी में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि रोट, रोट एक एग्जांपल है, रोट। तो यहाँ पे देखिए डबल साइलेंट है तो रोड बनेगा, यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ आर के आफ्टर आ रहा है तो रे अपवर्ड बनेगा और टी बना देंगे रोड, राइट। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देखिए रोड हो गया, अब टी के बाद वाला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टार, क्या एग्जांपल ले लेंगे, टार। अब थोड़ा सा मेरे को आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन से यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टार आ रहा है, टी को बनाएंगे अबव द लाइन, देखिए टी बन गया अबव द लाइन। ठीक है, यहाँ पे आर को डाउनवर्ड बना देंगे, लाइन से टच नहीं होना चाहिए, आ की वॉवेल लगा लीजिए, पाँव वाली वॉवेल। ठीक है, ये पाँव वाला वॉवेल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वॉवेल पहचानना आया होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और जिस भी प्रीवियस टॉपिक में डाउट है पूछा कीजिए आप लोग। ठीक है, टार हो गया, इसी में अगर टेरी करेंगे तो रे अपवर्ड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी क्या कर सकते हैं, डी में यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम, रेड का एग्जांपल ले सकते हैं, ये रेड हो गया, ये रेड कैसे बनेगा, रेड, रे और डी बन जाएगा, रे रे है ना, रे डी, रे रेड हो गया। अब यहाँ पे और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, डेरी ले सकते हैं, डेरी ये लीजिए डेरी, तो वहाँ पे वॉवल का वॉवल कैरी कर रहा है, कौन सा, फाइनल आर जो है वॉवल कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, डी और ये रे, ये डे और ये रे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, रे को छोटा बना लेते हैं, लेकिन रे को आपको पैरेलल लेके जाना है डी के हेड तक के। अगर यहाँ पे डेयर होता तो क्या करते, डेयर होता तो यहाँ पे डी बनाते और आर यहाँ पे क्या कर देते, डाउनवर्ड कर देते और वॉवेल लगा देते। अब यहाँ पे देखिए चे के बिफोर, चे का कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ लेते हैं रोज, तो क्या बन जाएगा, रे और ये चे बन जाएगा, रोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, यहाँ पे ये ले लीजिए चेयर, तो क्या कैसे बन जाएगा, चे और ये आर बन जाएगा, चेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर चेरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चे और ये री हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आर आया, फाइनल आर में वॉविल आया इसलिए वो अपर चला गया, वॉविल नहीं आया तो डाउनवर्ड आ गया। जे में क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जे में क्या कर सकते हैं, देखिए जे में ऐसा कर सकते हैं, राज किसी का एग्जांपल होता है ना, किसी का नाम होता है राज, तो राज में कैसे लिखेंगे, रा और ये राज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कर लें जेरी कर लेते हैं तो कैसे बन जाएगा, जेरी में ये बन जाएगा जेरी, ये जे बना दीजिए और रे बना दीजिए, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, इस तरीके से आप लोगों को समझना है फ्रेंड्स, राइट। अब इसको मैं करता हूँ मेरे एग्जांपल्स को यहाँ पे, क्योंकि हे का भी बचा है और के गे का बचा हुआ है। ठीक है, इसको एग्जांपल को इरेज करता हूँ यहाँ से मैं, ये नोट कर लिया कीजिए, साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल कौन से ले सकते हैं हम लोग, हे का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, हे डाउनवर्ड बनता है ना वहाँ पे, और रे के साथ में एक रे का भी एग्जांपल बचा हुआ था और यहाँ पे हे अपवर्ड बचा हुआ था, है ना,
और यहाँ पे के बचा हुआ था और ये गे बचा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बचे हुए थे। अब देखिए हे में देखिए फ्रेंड्स, अगर हे के पहले कोई वॉवेल एग्जांपल आता है, यहाँ पे देखिए रे, ये रे नहीं आएगा, हाँ रे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए राहुल, राहुल ठीक है, तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, हे आएगा तो कैसे यूज़ करेंगे, एच के पहले आर आ रहा है, सॉरी एच के पहले रे आ रहा है, तो रा आ आ आ रहा है, आ साउंड निकाल राहुल, है ना। अगर ए का वॉवेल पहले आता तो आर डाउनवर्ड बना रहते, वो स्ट्रोक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रा हे डाउनवर्ड फिर एल बना दीजिए, यहाँ पे एल अप डाउनवर्ड नहीं जाएगा, यहाँ पे एल हमेशा अपवर्ड ही जाएगा, ठीक है। डाउट लगा लीजिए, पा वाली वॉवेल आ रही राहुल। अब यहाँ पे हे के बाद अगर अगर आर आता तो कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए ये लीजिए आप हेयर, तो क्या बन जाएगा ये हे और ये और हेयर। अगर हेरी लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, हेरी में रे अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है। आप बनाइएगा उसको, हेरी में क्या बन जाएगा, रे अपवर्ड चला जाएगा। अब यहाँ पे रे का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रे का एग्जांपल तो ले ही लिए हम लोग, हाँ यहाँ पे ले लीजिए रेयर, तो रेयर में क्या चला जाएगा, रे के बाद फिर रे आ रहा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, रे और ये रे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बनाने में सुटेबल जा रहा है ना, मतलब इजी बन जा रहा है, आराम से बन जा रहा है, इसलिए हम दोनों आर को रे को क्या किया, अब ज्वाइन कर लिया है, तो उससे क्या होता है ना, इजी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हेरी का एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे हेरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये हे और ये रे, इस तरीके से क्या बन जाएगी, हे और ये रे, ये हैरी बन गया, हैरी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। के साथ में क्या कर सकते हैं अपन, के साथ में एग्जांपल के लिए के साथ में लेते हैं हम यहाँ पे रैक, तो कैसे बनेगा, रैक, ये बन गया ना रैक, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, कार ले सकते हैं, कार तो लेना ही है एक ना एक दिन, ये कार हो गया, ठीक है। और एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कैरी ले सकते हैं, कैरी, तो कैरी कैसे करेंगे, ये कैरी अपवर्ड चला जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है क्या, अब देखिए कैसे बनेगा, कै और ये रे अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है, अबव द लाइन बनेगा, सॉरी ये क्या बनेगा, अबव द लाइन बनेगा कैरी, ये कैरी, ठीक है। छोटा सा इसलिए बनाया हूँ, वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको क्या किया, छोटा सा बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा इसका एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे रोग का एग्जांपल लेते हैं, रोग, पहले भी मैंने इसको आप लोगों को बताया हुआ कैसे बनेगा, रोग, रो और ये गा, ठीक है, रोग बन गया। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं गियर का, ये गियर कैसे बनेगा, गियर गी बन जाएगा और आर डाउनवर्ड बन जाएगा, ये गियर बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दिए ना, इंटरवीनिंग वॉवेल एंड पोजीशन है तो ट्रांसफ़र कर दिए। रोग, रोग ना एक ऐसे लोगों को बोला जाता है जो समान व्यक्तियों से अलग सोचते हैं, है ना, उसको रोग बोला जाता है। बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑफ सिमिलर पीपल, है ना, जो सिमिलर पीपल से क्या होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उसको बोला जाता है रोग, ठीक है। अब यहाँ पे वे में क्या ले सकते हैं, वे में ले सकते हैं हम वेयर ले सकते हैं, वेयर, वेयर में क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू के बाद फिर रे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको एक साथ अटैच कर देते हैं, वे और ये रे कर दीजिए, तो ये वेयर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से समझिए। और यहाँ पे योर का एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, योर कैसे बनाएंगे, कुछ मत कीजिए, यहाँ पे वाय बनाइए और यहाँ पे रे को अटैच कर दीजिए, ये योर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से एग्जांपल को समझा जाता है। और मैं एग्जांपल दूंगा, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे वाई के साथ में रे को हमेशा अटैच करते हैं, डब्ल्यू के साथ में अटैच करते हैं और रे के साथ में गे को इस तरीके से अटैच किया जाता है। नहीं आया होगा समझ में तो पूछिएगा मेरे से, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब आते हैं सेकेंड ग्राफ की तरफ। सेकेंड ग्राफ में कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोगों को करना है, बाद में आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके, देखिएगा सेकेंड ग्राफ में कौन कौन से देखना है, एल आर एफ वी इस जे, ठीक है। मैं लाइट के बता देता हूँ, डार्क के आप लोग बना के दिखाइएगा। एल में क्या ले सकते हैं हम लोग, ओरल, एल में ले सकते हैं यहाँ पे एल आर और क्या है एफ और ये इश, यहाँ पे ले सकते हैं ओरल। ओरल कैसे बन जाएगा फ्रेंड्स, ओरल बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, आर के पहले वॉवेल आ रहा है मतलब आर डाउनवर्ड बनेगा, ये सेकंड प्लेसिंग में जाएगा तो ये ओरल हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड प्लेसिंग में क्या बन जाएगा, रील बन जाएगा, रियल के एग्जांपल अभी इसमें नहीं आएगा।
तो रील क्या बना सकते हैं, ये रील बन गया, और चाहे तो एल को डाउनलोड भी बना सकते हैं, ये रील हो गया। याद रखिएगा, अगर एल डाउनलोड बनाएंगे तो वो इट्स जैसा नहीं दिखना चाहिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैनेज करना पड़ता है, काफ़ी मैनेज करके चलना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस में आता है ये सब चीज़ें। क्या बन जाएगा अब यहाँ पे आर, आर के साथ में रे का कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा बताइए मेरे को थोड़ा सा। कुछ एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स एरो, यहाँ पे आर के साथ में, आर के पहले वाविल आ रहा है, तो यहाँ पे आर डाउनवर्ड बनेगा और ओ का वाविल लग जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रोर लिख सकते हैं, रोर रोर, दो आर एक साथ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये रोर बन जाएगा, ये रोर हो जाएगा। एफ के साथ में कैसे यूज़ करेंगे, रफ़ यूज़ कर लीजिए, एफ के पहले अगर आ रहा था तो कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें देखना। ये एफ आ रहा है ना यहाँ पे, एफ जी एच का, ओ यू जी एफ, ओ यू जी एच का प्रोनाउंसिएशन रफ़ करते हैं, है ना, नहीं जी एच का प्रोनाउंसिएशन रफ़ करते हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एफ़ का कैसे स्ट्रोक बनेगा रफ़, यहाँ पे क्या करेंगे, वॉवल बाद में आ रहा है, आर के बाद आ रहा है, तो मैं आर रे यूज़ किया, आर यूज़ नहीं किया, ठीक है। रे और आर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, टिल जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, बहुत लोग होते हैं कि लास्ट तक भी आर और रे में कंफ्यूज होते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, फोर कर सकते हैं, तो फोर में कैसे बनेगा फ्रेंड्स, एफ बनाइए और आर बनाइए, ये फोर हो गया, सॉरी ये तो फेयर हो गया था, फेयर के आउटलाइन इसमें डॉट लग जाएगा तो फेयर हो जाएगा। फोर में आप लोग क्या करेंगे, आर डाउनलोड बना देंगे, अगर फोर्थ लिखना है तो कैसे बनेगा, एफ रे इच, ये फोर्थ बन जाएगा, राइट। स्ट्रोक का लेंथ आप लोगों को मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, एग्जांपल के लिए यहाँ पे लीजिए रश, तो कैसे बन जाएगा रश, ये र और ये श बन जाएगा, ये रश बन गया है ना, थ्रू द लाइन नहीं जाना चाहिए, ऑन द लाइन रखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे लीजिए एग्जांपल में शेयर ले लीजिए, ठीक है, ये शेयर, ये शेयर हो गया, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं यहाँ पे आप, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं आप यहाँ पे शेरी ले सकते हैं, शेरी, ये शे और ये री अपवर्ड बना चाहिए, अपवर्ड चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे रे में वॉविल कंटेन नहीं कर रहा है, देखिए वॉविल आ रहा है लेकिन साइलेंट है, यहाँ पे वॉविल आ रहा है और बोलने में भी आ रहा है और दिखने में भी आ रहा है, तो यहाँ पे रे अपवर्ड बनेगा, राइट। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा समझने में भी, और मुझे कुछ समझाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ भी डाउट रहता है ना तो पूछा कीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर में जाइए, कुछ भी डाउट रहेगा मेरे को पूछिए, टेलीग्राम नंबर में मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, मेरे टेलीग्राम नंबर आप लोगों को कई बार बता चुका है, नहीं भी बताया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, 7999500677, ये मेरे टेलीग्राम का नंबर है, जाइए वहाँ से इस नंबर को जा करके मेरे को मैसेज कीजिए, जैसे आप पढ़ते हैं कुछ भी नोट से, आप लोगों का टेलीग्राम नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, लेकिन व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा, टेलीग्राम है ना, मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम में पोस्ट कीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं, मैंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो ऑनलाइन क्लासेस है 25 मई से स्टार्ट कर चुकी है ऑलरेडी, है ना, तो अगर किसी को लगता है सीखना है तो वो क्या कीजिए, तीन बजे के आसपास मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है, तो अगर लगता है इंटरेस्टेड है तो मेरे को इस नंबर पे आप टेलीग्राम करके बताइए। और किन किन लोगों को लगता है कि हिंदी स्टेनो की भी क्लासेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, उनको सीखना है, तो आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम कीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा रिप्लाई करूँगा, लेट से करूँगा लेकिन करूँगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ, लास्ट जो ग्राफ बचा मेरे को, क्या कौन कौन सा बचा, एम बचा और क्या बचा, एम बचा, इथ बचा, और क्या बचा, एस बचा और एन बचा, ठीक है, इंग भी बचा है, तो इसको भी देखते जाइए कैसे कैसे बनेगा जी बताइए मेरे को। एम, एम के पहले आर आता है तो आर हमेशा डाउनलोड बनता है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम रोमा के एग्जांपल ले लेते हैं, रोमा का आजकल नोट्स देखने में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रही, शायद कुछ दिक्कत आएगा होगा, है ना, रोमा का एग्जांपल कैसे करेंगे, ओ का वॉवल आ रहा है तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, ओ का है तो सेकंड प्लेसिंग जाएगा और एम को ऑन द लाइन कर देंगे, देखिए एम के पहले आर आता है तो आर हमेशा डाउनवर्ड बनता है ना, ये रूल है, लिख लीजिएगा रोमा, ये रोमा हो गया, ठीक है। अगर एग्जांपल है के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरी, ये मेरी है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम के बाद अगर आर आएगा तो क्या बनाएंगे, वो अपवर्ड चला जाएगा, ये मेरी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इच के लिए क्या करेंगे, ये कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रथ, ये क्या कर लेंगे, रथ, ये रथ हो जाएगा, ठीक है, रथ का एग्जांपल लिखा था मैंने शायद, कहाँ गया, हाँ रथ, रथ मतलब दया, ठीक है, दया भी आजकल क्लास पे नहीं आ रहा है, तो ये हो गया रथ,
अब क्या करेंगे हम लोग, देयर, देयर के एग्जांपल ले लीजिए, इसका जो डार्क बनता है, इसका जो डार्क फॉर्म में बनता है उसका एग्जांपल ले लीजिए, कैसे बनेगा देयर, दे अर बन जाएगा। देखिए अभी आप लोग का आ रुक नहीं हुआ है ना, तो बस ऐसे समझिए, ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ऐसा सोचेंगे कि सर आप यहाँ पे आर क्यों पूरा बना रहे हैं, आर का हुक लगाना चाहिए, तो अभी देखिए जो सिलेबस में आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है ना, लेकिन जो सिलेबस में आगे नहीं बढ़े हैं, वो जो धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। अब देखिए यहाँ पे एस के साथ में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एस के साथ में, एस के साथ में यूज़ कर सकते हैं, एस के साथ का एग्जांपल, हाँ रस्ट, ये हो जाएगा रस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा रस्ट, लिख लीजिएगा इसको रस्ट। और क्या ले सकते हैं एग्जांपल में, सर ले सकते हैं, तो सर कैसे बन जाएगा, ये सर बन जाएगा मेरा, मेरा नहीं मतलब सर लिखते कैसे आउटलाइन वो, ठीक है। अब ये एन, एन में कैसे बनेगा, रन लिखना है तो कैसे बन जाएगा रन, ये न रन लिखना है तो र, और ये न, देखिए वाविल बाद में आ रहा है तो रे अपवर्ड ले जा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सपोज एग्जांपल के लिए ये क्या ले सकते हैं, नूरी, नूरी एग्जांपल ले लीजिए। इसमें क्या है, एक हमारे दिल्ली के स्टूडेंट हैं सोनिया नूरी करके, उनका एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, है ना। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रे में वाविल आ रहा है तो कैसे बनाएंगे, नू री ओ, अब ये री ऐसे बना देना, ठीक है। यहाँ पे एकदम ज्वाइंट मत करना, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको रे जा रहा है करके। रंग में यहाँ पे अंग में क्या कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं, गाना है ना अमिताभ बच्चन जी का, रंग में क्या क्या कौन सा गाना है, रंग में रंग क्या है यार, भंग में रंग जमा हो जमा जब, ऐसा कुछ बोलते हैं ना गाना, तो कैसे बनेगा ये र अंग, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, है ना। गाना मेरे को याद नहीं आ रहा है, शब्दों में कुछ हेर फेर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। देखिए मैंने एक एक एग्जांपल आप लोगों को बता दिया है बना करके, अब कुछ आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, उसको आप मुझे करके दिखाएंगे। जल्दी जल्दी एग्जांपल को नोट करते जाइए फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए मैंने एग्जांपल तैयार किया, जा करके एग्जांपल को नोट कीजिएगा, है ना, या फिर साथ साथ में नोट करना है तो साथ साथ में नोट करते जाइए। शेयर, रिपीट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, ये एग्जांपल आप लोगों को करने हैं, हनी, ठीक है। देखिए एग्जांपल, शेयर, शेरी, कार, कैरी, मेयर, मोर, टार, पेयर, पेरी, मेरी, चेरी, ये हनी, ठीक है। हनी के बाद क्या है, डेयर, डेरी, रोम, रोमिंग, डेयर, डेरी, रोम, रोमिंग, आर, आर्मर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल आप लोगों को करना है। हॉकी, एक चीज़ एग्जांपल मैंने आप लोगों को भूल गया था, हाँ लेकिन यहाँ पे बनाएंगे आप लोग, के बिफोर अगर हे आता है तो हे हमेशा डाउनवर्ड बनता है। हॉकी लिखेंगे तो हॉकी आप लोग ऐसे लिख के दिखाएंगे, ठीक है, आया समझ में। के पहले अगर है आता है तो भी डाउनवर्ड बनेगा, और के बाद अगर है आता है तो भी वो डाउनवर्ड बनेगा। अब यहाँ पे कुछ वॉविल अगर आते हैं तो उसको आप लोग अटैच कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, क्या बताया मैंने, के पहले अगर वॉविल आया, के पहले है आया तो भी है डाउनवर्ड बनेगा, और के बाद अगर है आता है तो भी है क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। जैसे हॉकी का एग्जाम्पल हो गया था, हुक, रिट, हॉग, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, रेडी, रिपेयर, रेडी, रिपेयर,
रिवेंज, रिवेंज, रिम, हिम, सॉरी हिम, यहाँ पे ले लीजिए हिमा, हिमा दास है ना, हिमा दास। हिमा दास एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। हिमा दास एक धाविका है जिन्होंने एक बहुत ही कम समय में गोल्ड मेडल, इन्होंने कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल अचीव किया था, शायद तक ट्रिपल गोल्ड मेडल इन्होंने अचीव किया है, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। इनको इनको इनके स्टेट में एक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो जाइए नीचे में कमेंट सेक्शन करके बताइए कि इनको कौन से एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे ट्रेनों का नाम होता है ना शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, उसी तरीके से इनको एक्सप्रेस बोला जाता है अपने स्टेट में, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, शू, एक शू कंपनी है, बहुत बड़ी शू कंपनी है, उनके ब्रांड एम्बेसडर है, उस कंपनी का नाम भी बताइए और इनको कौन सी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है उस एक्सप्रेस का नाम भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जा करके, राइट। और क्या एग्जांपल देना है, देखिए इतना एग्जांपल सफिशिएंट है, पहले इतना करके दिखाइए फिर मैं और एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ इतने में समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा और एग्जांपल चाहिए होगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को बना दूंगा, उसमें देखिएगा, ठीक है। फिलहाल हम क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। जो भी आप लोगों की क्वेरीज रहती है जा करके टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, बता दिया कीजिए, ठीक है। और लिंक अगर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो अगेन मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम में मुझे मैसेज करके बताइए, सही मैं उसको सॉल्यूशन निकालूंगा। और प्रीवियस टॉपिक पर अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बिल्कुल बताइए। थैंक यू सो 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 मच, आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। इसी तरह तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक डिसलाइक जो भी करना है कीजिए, लेकिन प्रेम पूर्वक कीजिए, ईमानदारी से। थैंक यू सो 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 मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। शुभ रात्रि।